पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले प्रांत बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कर रहे नेताओं ने 21 मार्च को निर्वासित सरकार का गठन कर लिया है। पाकिस्तान में इस खबर को लेकर अफरा तफरी मच गई है। कनाडा में निर्वासित जिंदगी बिता रही बलूच नेता प्रोफेसर नायला कादरी बलोच को इस नई सरकार का मुखिया बनाया गया है। नायला कादरी ने एक बयान जारी करते हुए कहा, मैं अब इस निर्वासित बलूच सरकार की मुखिया हूँ। निर्वासित सरकार की स्थापना यूरोप में कहीं पर की गई है, लेकिन सुरक्षा कारणों से उसके लोकेशन की जानकारी नहीं दी जा रही है। हमारी सरकार अब विभिन्न सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से संपर्क साधेगी। हम ये आशा करते हैं कि पूरी दुनिया लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर सरकार को चलाने में हमारी मदद करेगी। बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चला रहे बलोच लिबरेशन आर्मी और पाक सेना का अक्सर टकराव होता रहता है। पाकिस्तान पर बलूच लोगों से जानवरों जैसा निर्मम व्यवहार करने का आरोप लगता रहा है। बलूच लोगों ने कई बार पीएम मोदी से भी मदद की मांग की है। नायला कादरी के निर्वासित सरकार के गठन के बाद बलूच लोगों के लिए एक नई उम्मीद जगी है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।